हमेशा खुश रहने का राज। प्रेरक कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक महान साधु आए हुए थे। सभी लोग अपनी कठिनाइयां परेशानियां लेकर उनके पास आते थे। वो सभी का उचित मार्गदर्शन करते थे। एक दिन एक दुखी सा दिखने वाला व्यक्ति उन साधु के आश्रम में उनके दर्शन हेतु आया। उसने उन साधु से एक प्रश्न किया, गुरुदेव मैं यह जानना चाहता हूँ कि सदैव खुश रहने का राज क्या है। साधु महाराज थोड़ी देर शांत रहे और फिर बोले, तुम मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें खुश रहने का राज बताता हूँ। साधु महाराज और वो व्यक्ति जंगल की तरफ चलने लगे। साधु ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को कहा, इसे पकड़ो और चलो। उस व्यक्ति ने पत्थर को उठाया और वह उसी के साथ चलने लगा। थोड़ी ही देर के बाद उस व्यक्ति के हाथ में दर्द होने लगा और साधु से बोला, महाराज और कब तक इस पत्थर को लेकर चलना होगा। महाराज बोले, अभी चलते रहो। जब चलते हुए बहुत समय बीत गया और उस व्यक्ति से दर्द सहन नहीं हुआ तो बोला, महाराज अब दर्द सहन नहीं हो रहा है। साधु ने कहा, ठीक है, अब इस पत्थर को नीचे रख दो। पत्थर को नीचे रखने पर उस व्यक्ति को बड़ी ही राहत महसूस हुई। तभी साधु ने कहा, यही है खुश रहने का राज। गुरुवर मैं समझा नहीं, उस व्यक्ति ने कहा। साधु ने कहा, इस पत्थर को एक मिनट तक हाथ में रखने पर थोड़ा सा दर्द होता है और अगर इसे एक घंटे तक हाथ में रखे तो थोड़ा ज़्यादा दर्द होता है और अगर इसे और ज़्यादा समय तक उठाए रखेंगे तो दर्द बढ़ता जाएगा। उसी तरह दुखों के भार को जितने ज़्यादा समय तक उठाते रहेंगे तो उतने ही ज़्यादा समय दुखी और निराश रहेंगे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम दुखों के बोझ को एक मिनट तक उठाए रखते हैं या उसे जिंदगी भर। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो इस दुख रूपी पत्थर को जल्दी से जल्दी नीचे रखना सीख लो और हो सके तो उसे उठाओ ही नहीं। हमारे जीवन में दुख भी एक भार की तरह है। जब भी और जितना भी हम अपने बीते हुए दुखी करने वाली यादों को याद करते हैं उतने ही दुखी होते रहेंगे। दुख हमारे मन में आत्मा के अंदर बैठे रहते हैं और हमें दुखी करते रहते हैं। इसलिए व्यर्थ की बातों को अपने मन से निकाल दो। चीज़ों के बारे में नकारात्मक सोचना बंद करो, नहीं तो यह नकारात्मक विचार आपके मन में आते रहेंगे और आप इस बार से दुखी होते रहेंगे। जब आप इस दुख को अपने अंदर से निकाल देंगे तो सदा लाइट रहेंगे, आनंद में रहेंगे। याद रखिए, प्रसन्नता स्वास्थ्य देती है जबकि दुख रोग देते हैं। मनुष्य अपने आनंद का निर्माता स्वयं है। प्रसन्न करने का उपाय है स्वयं प्रसन्न रहना। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति की कम से कम शिकायत है वही इस जगत में अधिक से अधिक सुखी है। तो दोस्तों, यह था सदा खुश रहने का राज, खुश रहने का मंत्र। आप इसे जरूर अपनाएं। आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।